14 करोड़ रुपया लगना वा पैसे मैं सरकार लो इरीगेशन डिपार्टमेंट आ चुके हैं पिछले बंदे जिन्हें बनाए से रिटायर हो गए नवे जे आए ने उन्होंने जगह दिखा ली गई है मेरा ख्याल छेती काम शुरू हो जाएगा। गौशाला पहला 6.5 लाख रुपया आ गया इन्हों का 20 लाख पूरा करना बाकी भी आ जाएगा। देखो अपोजिशन का काम होता वा क्रिटिसाइज करना पर साड़ी सरकार साड़ा चीफ मिनिस्टर बहुत वधिया काम कर रहा तो इलेक्शन पता लग जाएगा भी कौन किन्ने पानी खलोता। चलो उन्हों का सिर मत्थे लाना जे मैं गौशाला ज मैनू मौका मिले तो मतलब ये नहीं भी मैं जरूर इतने इलेक्शन ही लड़नी फिर उन्होंने अपना अंदर पता नहीं क्यों नहीं खिलोंदा सेवा का मौका तो उन्होंने भी बड़ा मिलया क्यों नहीं कर सके ये तो नहीं भी जरा इतने सड़क बनाने उन्हें इलेक्शन ही लड़नी होंगी है जे गौशाला पैसे देते उन्होंने इलेक्शन ही लड़नी होंगी है मेरे को बड़ा सोहना हल्का शानो शौकत ना उ मैं जितना वा जित के आना वा ये कहें टिकट तो हाईकमांड ने देनी है। देखो सिखड़ी साहब ने जोड़े भी एलीगेशन लाने एफीडेविट दे दें तो मेरे बेटे ने इन्ने ट्रक बनाए ज मेरे इन्ने पेट्रोल जो भी लाना एफीडेविट दे दें एवं ना गल कर एफीडेविट देन तो मेरी वो इनकुआरी भावें हाईकोर्ट का सिटिंग जज कर ले सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज कर ले विजिलेंस कर ले मैनू किसी तरह का कोई डर नहीं पर एफीडेविट देन गल्ला ना कर हाँ ये गल है उन्हें कहा मेरे बेटे का 70 ट्रक ने उन्हें जबान परमादा पूरी करे हाँ तो मेरे बेटे के ट्रक जरूर 70 बन जाए मैं उन्होंने ऋणी होवगा। असी उन्होंने कह रहे हैं जी सीएम साहब कह रहे हैं भी जिला बनाओ सो सीएम साहब के ध्यान से अंडर कंसीडरेशन है होर भी बड़ा पोलिटिकल प्रैशर खन्ना खन्ने का जगराओं का इन्होंने थावान का बड़ा पिया होया सो देखो सीएम साहब की करते हैं।